Hello student, in this lecture we will discuss about pineal gland, thymus gland, homeostasis and feedback mechanism. First of all, pineal gland is located in between two cerebral hemisphere in brain between two cerebral hemisphere जो दो cerebral hemisphere बताए थे उनके बीच में ये located होती है pineal gland present between two cerebral hemisphere. दो जो cerebral hemisphere बताए थे उनके बीच में reddish gray in color. ये कैसी होती है? It is reddish gray in color. यदि हम pineal gland के हार्मोन के बारे में बताएं, तो pineal gland जो हार्मोन रिलीज करती है, वो है it release hormone melatonin. Melatonin hormone and melatonin hormone regulate the functioning of gonad. और जो melatonin hormone है वो regulate करता है किसको? Gonad की functioning को. हमने आपको पहले भी बताया कि गोनाड जो हैं वो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी. एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग, पीनियल ग्लैंड आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक. इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को. देन नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड थाइमस थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड इज present or located in chest region. ये chest region में present होती है. Bilobed thymus gland. It is bilobed. Pinkish in color. Release hormone. Thymosin. ये thymosin hormone release करती है. And what is the function of thymosin? Thymosin regulate and
डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। जो हमारी लिम्फ ग्लैंड हैं, उनको रेगुलेट करता है थाइमोसिन हार्मोन, और जो लिम्फोइड टिश्यू हैं, वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। लिम्फोइड टिश्यू मेंटेन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। होम्योस्टेसिस, कीपिंग इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। केमिकल एनवायरनमेंट मींस मिनरल्स, आयन एटसेट्रा, उनका बैलेंस ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। एंड दिस होम्योस्टेसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन एज वेल एज फीडबैक मैकेनिज्म। इट इज कंट्रोल्ड बाय एक्शन ऑफ हार्मोन एंड फीडबैक मैकेनिज्म बैक मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, कि ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म रिलीज ऑफ केमिकल और हार्मोन। वी नो केमिकल एंड हार्मोन्स आर द सेम थिंग, रेगुलेट इट्स ओन सेक्रीशन। यू नो रेगुलेट, रेगुलेट मींस ये कम है तो ज्यादा करेगा और ज्यादा है तो कम करेगा। सो फीडबैक मैकेनिज्म इज ऑफ टू टाइप, वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक, यू नो एज नेम इंडिकेट नेगेटिव, रिलीज ऑफ हार्मोन स्टॉप इट्स ओन सेक्रीशन, कि अभी बताया था आपको कि रेगुलेशन मीन ये इसको कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है। तो क्या बताया, नेगेटिव फीडबैक में कि जो हार्मोन रिलीज हुए हैं वो अपने वर्क के बाद, मींस अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, उसको अपने ही सिक्रीशन को रोक देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, वेरी सिंपल, इफ यू टेक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया अपने फूड में, तो जो ये कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फूड में तो उससे शुगर का लेवल बढ़ेगा, मीन ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, इंक्रीज शुगर लेवल
इन ब्लड। अब ये लेवल जब बढ़ गया तो आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, पेंक्रियास, और पेंक्रियास में स्पेसिफिक सेल है बीटा सेल, रिलीज इंसुलिन। और यू नो बीटा सेल किसकी है, पेंक्रियास। और आप कह सकते हो पेंक्रियास क्या रिलीज करेगी, हार्मोन इंसुलिन। और ये हार्मोन क्या करेगा, शुगर का लेवल ब्लड से कम हो जाएगा, डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। और शुगर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए जब शुगर लेवल कम हो गया तो ये इंफॉर्मेशन फिर जाएगी क्या, कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल घट गया है, मींस मेंटेन हो गया है, तो अब क्या कर देना चाहिए, इंसुलिन को स्टॉप हो जाना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन जाएगी पेंक्रियास के पास। अभी पेंक्रियास के पास गई तो पेंक्रियास अब क्या करेगी, स्टॉप सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक मींस स्टॉप इट्स ओन सिक्रीशन, कि जो ही इसका लेवल रेगुलेट हुआ और इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो गया, तो इसने अपने ही सिक्रीशन को स्टॉप कर दिया, सो इट इज नेगेटिव फीडबैक। अनदर इज अ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जस्ट अपोजिट, रिलीज ऑफ हार्मोन इंक्रीज इट्स ऑन सिक्रीशन, कि अपने इस सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। देखिए कैसे, अभी जस्ट आपको बताया कि जब जो ही लेबर पेन स्टार्ट हुई तो क्या होगा, रिलीज ऑफ कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां होता है, ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो ऑक्सीटोसिन बताया था आपको, इसको हम कौन सा हार्मोन भी बोल देते हैं, बर्थ हार्मोन। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉल ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसके लिए, इजी बर्थ हो बेबी। अब जब इसका सिक्रीशन हो गया है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन हो गया है, तो अब इसको स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कि जो ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस का तो क्या होगा, मोर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, यानी उसने अपने ही सिक्रीशन को बढ़ा दिया, सो इट इज नोन एज ए पॉजिटिव फीडबैक। सो इट इज ऑल अबाउट हार्मोन। एंड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनिल वशिष्ठा, लाइक एंड शेयर इट, थैंक यू।